टिक मॉड्यूल टू हंड्रेड फोर इनवर्टिप्रेट्स इनवर्टिप्रेट्स हैं इनवर्टिट के जो एनसेस्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट हैं बेसिकली जो प्रोटेस्ट हैं इससे दो कैटेगरीज बनी एक कैटेगरी वो है जिनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जबकि दूसरी कैटेगरी ऐसी है जिसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा एनिमल फाइलम जिसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उसके अंदर या शामिल है जबकि अगर हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर शामिल है उनकी बात करें तो इनको फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है एक कैटेगरी वो है जिसके अंदर सिमेट्री है जैसा कि अगर हम की बात करें अगर हम सिलेंटेट्स की बात करें तो इनके अंदर रेडियल सिमेट्री है इनकी बॉडी को हम दो बराबर हिस्सों के अंदर किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं जबकि जो दूसरा ग्रुप है वो बायोलेट्रलि सिमेट्रिकल एनिमल्स है यानी ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बायोलेट्रल सिमेट्री है यानी दीज आर और ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय पासिंग एन इमेजिनरी लाइन थ्रू देयर सेंट्रल एक्सिस थ्रू ओनली वन प्लेन जो एनिमल्स हैं इनके अंदर फर्दर इनको तीन कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं एक कैटेगरी ऐसी है जिनके अंदर सिलोम या बॉडी कैविटी नहीं है जैसा कि प्लेटी हेलमेंथिस एक ग्रुप ऐसा है जिनके अंदर सिलोम या बॉडी कैविटी तो मौजूद है लेकिन ये ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है इनको हम सूडोसिलोमेट कहते हैं और इनकी एग्जाम्पल निमाटोर्ट्स और तीसरी कैटेगरी वो है जिनके अंदर ट्रू सिलोम मौजूद है अब ऐसे ऑर्गेजम जिनके अंदर ट्रू सिलोम मौजूद है इनको फर्दर दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है एक प्रोटोस्ट और एक ड्यूटेस्टोम प्रोटोस्ट्रोम वो हैं जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है जबकि ड्यूटेरोस्ट्रोम ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से एनस बनता है अब अगर हम प्रोटोस्ट्रोम्स की बात करें तो इनके अंदर Arthropos शामिल हैं, इनके अंदर एनल शामिल हैं इनके अंदर मुलस्का शामिल है जबकि अगर हम की बात करें, तो इनके अंदर शामिल हैं और इनके अंदर बाकी कॉर्डेट्स भी शामिल हैं। इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो इस स्लाइड के अंदर जो इनवर्टिड फाइलम्स हैं उनके नाम बताए गए हैं इसमें जो पहला फाइलम है वो पॉरिफ्रा है जो कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखता बाकी जो फाइलम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं इनके अंदर निडेरियंस हैं इनके अंदर प्लेटी हेलमेंथीज हैं इनके अंदर एनलिड्स हैं इनके अंदर मुलस्का है इनके अंदर नीमाटोडा है इनके अंदर आर्थ्रोपोड है इसी तरीके से इनके अंदर कॉडेटा और इकाइनोडर्मेटा भी शामिल हैं अब जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिन एनिमल्स के अंदर है इनको हम फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं जिनके अंदर बाइलेट्रल सिमिट्री है या जिनके अंदर रेडियल सिमिट्री है जो हैं इनके अंदर हमने देखा कि रेडियल सिमिट्री है बाकी तमाम जो है, इनके अंदर बाइलेट्रल सिमिट्री है फिर फर्दर इनको हम सिलोमेट और एसिलोमेट की बेस के ऊपर डिवाइड करते हैं अब इसके अलावा इनको हम प्रोटोस्टोम्स या ड्यूटेरोस्टोम्स की बेस के ऊपर डिवाइड करते हैं ये तमाम जो फाइलम्स हैं ये सारे के सारे ये हैं यानी प्रोटोस्टोम्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो ब्लास्टोपोर है उससे माउथ बनता है जबकि अगर हम इकान और कार्डेट्स की बात करें तो ये ऐसा ग्रुप है जिससे जो ब्लास्टोपोर है उससे माउथ की बजाय एनस बनता है तो बेसिकली जो इनवर्टिब्रेट फाइलम्स हैं इनके जो एंसेस्टर हैं वो प्रोटेस्ट हैं उसके बाद उसके बाद निडेरियन उसके बाद प्लेटी हेलमेंथिस प्लेटी हेल्वन्तीस के बाद निमाटोर्स, निमाटोर्स के बाद मुलस्का आर्थ्रोपोडा, और इकाइनोडर्मेटा है इकाइनोडर्मेटा जो है इसको इनवर्टिब्रेट की टॉप के ऊपर रखा जाता है ऑल दो ये एक सिंपल फाइलम है देखने में इसके अंदर हमें यह लगता है कि इसके बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं वो इल डेवेलप हैं लेकिन इसके बावजूद इसको हम इनवर्टिट के टॉप पे इस वजह से रखते हैं कि इनके अंदर बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स हैं जो के कॉर्डेट के ज्यादा करीब हैं और जो इनवर्टिट हैं उनसे इनके अंदर ज्यादा डिफरेंसेस हैं तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन फीचर्स विच आर मोर क्लोज टू आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द इनवर्टिट